In my last video, I taught you about the morphology of root and stem. Now today I am teaching you about the morphology of leaf. What is leaf? Look at, everyone know that the green part of plant, this is called leaf. सबको पता है लीफ क्या होती है, बट हम साइंस के स्टूडेंट इसकी मॉर्फोलॉजी की स्टडी कैसे करेंगे? कि ग्रीन तो होती है मोस्ट ऑफ लीफ, ज्यादातर लीफ ग्रीन ही होती है, और इनका फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, फूड पर हम प्लांट के लिए, दे प्रिपेयर ओन फूड फॉर द प्लांट, सो दे डू रिएक्शन इन द फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रिपेयर द फूड फॉर प्लांट. This is the function, main function of leaf. So leaf is the most important part of the complete plant. Now what is morphology? इसकी morphology क्या होती है? अगर हम science के student हैं तो इसकी study किस तरह से करेंगे? At first मैं आपको इसका diagram draw करके बताती हूँ. ये leaf है, इसके main three parts होते हैं. Leaf कैसे produce होती है stem से? यहाँ पे ये वाला पार्ट है इसका, ये वाला कहलाता है लीफ बेस. दिस इज लीफ बेस. उसके बाद यहां से इसका यहां से नोड जैसे निकलती है, तो नोड से क्या प्रोड्यूस हो गया? लीफ बेस. लीफ बेस के ऊपर यहां पे ये वाला पार्ट जो निकलता है बीच में, ये वाला कहलाता है पिटियोल. अब ऊपर मोस्ट ऑफ ये पार्ट जहां से पूरी लीफ ग्रीन पार्ट इसका कवर होता है, ये वाला कहलाता है लेमिना. इस तरह से मेन थ्री पार्ट हो गए इसके, लीफ बेस, पिटियोल एंड लेमिना. अब इसके बीच में देखिए, लीफ के बीच में मिडल में एक वीन होती है, ये कहलाती है मिड वीन. इसके साइड में बहुत सारी ब्रांचिंग होती है लीफ की, मल्टी ब्रांचिंग. ये वाली कहलाती है लेटरल वेन्स. इस तरह से ये कंप्लीट वेल लेबलिंग डायग्राम है इसका लीफ का. थ्री पार्ट, लीफ बेस, पिटियोल, लेमिना, मिड वेन एंड लेटरल वेन्स. इसके बाद में ये हम लीफ तो देख रहे हैं, बट देखिए कोई भी लीफ इसी तरह की होती है? नो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है. कोई इस तरह की, कोई कॉस्टेरिया से कटी फटी होती है, कोई लीफलेट्स होती है, तो मेनी डिफरेंशियंस होते हैं. इसके अकॉर्डिंगली इसका वेनेशन जो होता है वो टू टाइप्स का होता है. एट फर्स्ट व्हाट इज वेनेशन? मैंने आपको बताया अभी कि कोई भी लीफ वन टाइप की नहीं होती है, डिफरेंट डिफरेंट. जैसे रूट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का मॉडिफिकेशन था, स्टेम में था, वैसे ही लीफ के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है. व्हाट इज वेनेशन? मिड वेन एंड लेटरल वेन बोथ आर डिवाइडेड इन मेनी डिफरेंशियस पोजीशन. अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड वेनेशन. किसके मिड वेन, उसके बाद में लेटरल वेन, उनका अरेंजमेंट किस तरह का होता है, उसके अकॉर्डिंग का वेनेशन टू टाइप्स का होता है. रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन. व्हाट इज रेटिकुलेट? ये वाली लीफ देखिए, अभी जो मैंने इसका डायग्राम ड्रॉ किया था, इसके अंदर एक मिड वेन और साइड में लेटरल वेन, ये वाला होता है रेटिकुलेट, जिसके अंदर बीच में मिडल में मिड वेन और साइड में इसकी लेफ्ट राइट साइड अल्टरनेट साइड में इसकी ब्रांचिंग होती है लेटरल वेन की. मोस्ट ऑफ ऑल डाइकोटिलीडोन्स लीव्स आर कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन. जितने भी डाइकोटिलीडोन्स प्लांट्स होते हैं उन सबके लीफ के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है. फिर है पैरेलल. ये वाली लीफ देखिए, इसके अंदर इसका अरेंजमेंट वेनेशन का कैसा है? बनाना की लीफ देखिए आपने, उसमें देखिए ये मिड वीन है, इसके साइड में इसके पैरेलल बहुत सारे वीन होके जा रही है, तो ये वाला है पैरेलल वेनेशन. एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल इस तरह से साइड में
example, all monocots. मोनोकोट्स प्लांट्स जितने भी होते हैं उन सबकी लीफ जो होती है पैरेलल वेरिएशन वाली होती है. एग्जाम्पल बनाना, मेज एंड एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ लीव्स जो होती है वो रेटिकुलेट वेरिएशन वाली होती है. रोज ले लीजिए या सनफ्लावर ले लीजिए. इस तरह से इसका टू टाइप्स का वेरिएशन होता है. ये वेरिएशन तो हो गया ऑन लीव का कि किस तरह का उसमें वेरिएशन होता है, बट रेटिकुलेट होने के बाद पैरेलल होने के बाद भी इनके अंदर डिफरेंस है दिखते हैं. हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे बात की रेटिकुलेट की, बट क्या सारी तो माइंड में डायग्राम आया ये वाला कि मिडविन है फिर साइड में ब्रांचिंग, लेकिन सबकी सब ये वाली होती है इस तरह की? नो. इसके अकॉर्डिंग भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचिंग हो जाती है कि कोई यूनिकोस्टल होती है और कोई मल्टीकोस्टल. यूनिकोस्टल यहां से देखिए कि लीफ जो है इसका ये कोस्ट का साइड में कोस्ट एक ही है, यहां से मिड विंग इसके साइड में आ गई है ये सारी लेटरल विंग. ये कोस्ट तो इसका वन ही है तो ये हो गया यूनिकोस्ट. अब इसमें यूनिकोस्ट में क्या आती है? कन्वर्स एंड डाइवर्स. यूनिकोस्ट एंड कन्वर्स. कन्वर्स जो एक ही पॉइंट पर सब तरफ से मीट हो रही है, यहां से मिल करके वो कन्वर्ज कि एक ही पॉइंट पे सब मीट हो रही है. और यूनि इसका कोस्ट ओनली वन ही कोस्ट के यहाँ पे मीट हो रही है, इसीलिए हम बोलते हैं यूनिकोस्टल कन्वर्स रेटिकुलेट वेनेशन. अब है पैरेलल वेनेशन. पैरेलल के अंदर भी यूनिकोस्टल मल्टीकोस्टल आता है. इसके अंदर हमें रेटिकुलेट वेनेशन में मल्टीकोस्टल देखना. रेटिकुलेट में मल्टीकोस्टल कैसा होगा? ये वाली भी हमने लीव्स ली है ये इस तरह की. इसके अंदर कोस्ट देखिए, यहां से मल्टी कोस्ट आ रहे हैं इसके और ये डाइवर्स हो रही है. कन्वर्स नहीं, डाइवर्स. डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के अंदर ये यहाँ पे स्प्रेड हो गई है तो हम उसे बोलते हैं मल्टी कोस्टल डाइवर्स डाइवर्स रेटिकुलेट वेनेशन. आया मल्टी मीन्स बहुत सारे, इसके कोस्ट मीन्स यहाँ से साइड से इसका एरिया मल्टी हो गया है और डाइवर्स कि सबके सब मिड विन से डाइवर्स डिफरेंट डिफरेंट बिंदु के ऊपर स्प्रेड हो गई है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू पैरेलल वेनेशन विद एग्जांपल. बोथ वेनेशन आई विल एक्सप्लेन यू.